नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष का फिर से आप सभी का क्रिएटिव कैरियर में स्वागत करता हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर लेखपाल का जो जीएस का पोर्शन आपका था उसको कंप्लीट ही बात करेंगे यहाँ पर, पूरी आंसर की आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी आगे पढ़ रहे हैं आपको मिल जाए यहाँ पर सारे। बाकी क्लास वगैरह भी चलती हैं, सब बराबर क्लास भी करते रहिएगा। और बाकी पीडीएफ की बात करें तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसका टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया हुआ है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है? तो यहाँ पर देखो दिया है लास्ट में, प्रदूषण और खपत में कमी आएगी, यानी कि आंसर क्या बनेगा आपका डी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई हैं? तो यह है रिधम ममानिया करके हैं, ये बी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, किस देश ने मई 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये आपका चाइना ने करी है, आंसर क्या बनेगा इसका ये। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो ये रविन्द्र टैगोर ने कहा था। आगे देखते हैं, किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट के नाम से दिया गया? ऑपरेशन पोलो की बात करें तो ये हैदराबाद हो जाएगा। आगे बात करें, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा की सीटें हैं? तो आपका सिक्किम हो जाएगा। EFT की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है, आंसर ये बन जाएगा इसका। बाफिन द्वीप की बात करें तो ये आपको कनाडा में देखने को मिल जाएगा, आंसर क्या बनेगा डी। प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो आपको बताया यहाँ पर, ये आपका 19 के अंदर ही दिया हुआ है, आंसर क्या बनेगा इसका ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये देखो आपके सेट में वैरी कर सकता है क्योंकि अलग अलग सेट जो रहेंगे इसके जो है, तो आगे पीछे क्वेश्चन होंगे, बाकी ये देख लेना यहाँ पर। किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान, ये पांचवी की बाद में हुआ था 78 से 80 के बीच में, आपको पता ही क्योंकि 74 से 79 थी ये, और बाद में आपका शुरू हुआ वो रोलिंग प्लान। 1942 की बात करें यहाँ पर तो लॉर्ड लिथगो हो जाएगा, आंसर ये बन जाएगा इसका। और BC राव की बात करें तो चिकित्सा से जुड़ा हुआ, आंसर क्या बनेगा सी। निम्नलिखित में से किस में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नीति निर्देशों की बात करें, DPSP 36 से 51, महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह की बात करें तो साबरमती, आंसर सी बनेगा। सती प्रथा की बात करें तो पता है राजा राममोहन के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसको खत्म किया गया, आंसर क्या बनेगा डी। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस पर निर्भर थी, तो प्राथमिक क्षेत्र पे, यानी कि आंसर ए बनेगा। आगे हम बात करें यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, तो ये आपके 8 राज्य। देखो क्या है कि ये डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि हो सकता है, क्योंकि आयोग ने भी कई बार ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, कभी ये 9 कर देते हैं कभी 8, तो ये डाउट वाला क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर क्या है 8+1 होता है ये, क्योंकि UT भी है, दिल्ली को भी अगर जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा, बाकी वैसे तो ये 8 ही है। तो अब दिक्कत यहाँ पर ये कि अब थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर जो आयोग आंसर की देगा उसके हिसाब से होगा, बाकी आंसर इसके 99% चांस जो है 8 ही रहेगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बताएं यहाँ पर तो ये कृषि ही आधारित है, कृषि पर आधारित है। सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात करें तो NH2। आगे देखिए, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की बात करें तो थारू सबसे ज़्यादा मात्रा मिलेगी आपको। आगे देखिएगा, जल डमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है, तो ये आपका जिब्राल्टर है, आंसर भी बनेगा। और मंदिरों के शहर किसको बोलते हैं, तो ये आपका वाराणसी है, आंसर ये बन जाएगा। IT शहर की बात करें यहाँ पर तो ये कानपुर हो जाए, सॉरी कानपुर नहीं होगा, लखनऊ हो जाएगा, आंसर क्या बनेगा सी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर बांध दिए, इनको जोड़ना है, तो देखो दो बांध अगर आप जोड़ ले गए, गोविंद बल्लभ पंत रिहन नदी पे और परीक्षा बेतवा पे, तो आपका आंसर वैसे बन जाएगा, यानी कि आंसर बात करें तो पहला ही हो जाएगा, आंसर बनेगा आपका ए। आप कंप्यूटर वायरस को कैसे पता कर सकेंगे, तो इसमें आपका जो है ईमेल अटैचमेंट खोल कर जो है पता कर सकेंगे, आंसर बनेगा सी। इस तरह से आपके पूरे जो GS वाले क्वेश्चन थे सारे हो गए हैं। अब एक पार्ट में आपका मैथ और एक पार्ट में आपको जो है ग्रामीण प्रवेश आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।